वैशाली जिले के लालगंज मुख्य बाजार में गुंडई का एक नया वीडियो सामने आया है। यह वीडियो लालगंज की जनता के लिए डराने वाला है। यह वीडियो दिखाता है कि मार्केट में किस कदर गुंडई बढ़ गई है और पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है। पहले आप यह वीडियो लालगंज मेन मार्केट गांधी चौक के पास के भी मार्ट के ठीक सामने का है। कथित तौर पर वीडियो में तोड़फोड़ कर रहा यह इंसान भी लालगंज का ही है और खुद को बड़का दबंग साबित करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से यह लाल टी शर्ट वाला खतरनाक तरीके से जानलेवा हमले कर रहा है और रॉड या लाठी जो भी उसके हाथ में उसे भांज रहा है, उसे देख कर ऐसा लग रहा है कि आज वो दुकानदार की जान लेने के इरादे से ही आया है। मामला जमीन विवाद का है, लेकिन यह सामान किराएदार का फेंक रहा है। देखिए कैसे काउंटर पर लगे सामानों को सड़क पर फेंक चुका है। पूरे दम के साथ वह दुकानदार पर हमला भी करता है। लालगंज बाजार में व्यवसायियों के साथ होने वाला यह व्यवहार व्यवसायी संघ और उसके सदस्यों के मुंह पर एक तमाचा है। यह साबित करता है कि लालगंज व्यवसायियों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। व्यवसायी संघ बनाने वाले लोग घटना के होने के बाद पोस्टर बैनर लेकर बंद करवाने जरूर निकलते हैं, लेकिन घटना से पहले सभी मूक दर्शक बने रहते हैं। हम बहुत जल्द इस पर व्यवसायी संघ के लोगों की प्रतिक्रिया भी जानेंगे, लेकिन यह कोई पहली घटना नहीं है। बार बार इस दुकान पर ऐसा होना यही बताता है कि लालगंज में व्यवसायियों के साथ कोई खड़ा नहीं है, पुलिस भी नहीं और जनता भी नहीं। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं, कुछ अच्छा खाइए।